देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। कोरोना के चलते बंद पड़ी आश्रमशाला व छात्रावास शुरू करने की तैयारी होने लगी है। शासन ने नियम व शर्तों का पालन कर आश्रमशाला व छात्रावास की अनुमति दी है, जिससे जिले के 4 आश्रमशाला व 9 छात्रावास शुरू करने के कामों को समाज कल्याण विभाग द्वारा गति दी गई। भंडारा जिले में 4 आश्रमशाला और 9 शासकीय छात्रावास है। इनमें भंडारा, तुमसर, साकोली, लाखनी, लाखांदुर व पवनी के छात्रावास शामिल है। यहां 800 क्षमता मान्यता होकर 700 विद्यार्थी है। गत सत्र में 647 विद्यार्थी प्रवेश लिए थे। अभी छात्रावास व आश्रमशाला शुरू करने से पहले ही शालाओं को स्वच्छ व निर्जंतुकीकरण करने पर जोर दिया गया है। पानी व सैनिटाइजर विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध रहेगा, एक बेंच पर एक विद्यार्थी। इस तरह से फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर इसे कड़ाई से अमल किया जा रहा है। शाला परिसर में प्रतिदिन स्वच्छता की जाएगी। साहित्य डेस्क कुर्सी को सैनिटाइज किया जाएगा। शाला शुरू होने के पूर्व व छूटने के पश्चात नियमित परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा। छात्रावास में आने वाले विद्यार्थियों को पालकों द्वारा गारंटी पत्र देना होगा, साथ ही शर्तों का पालन करना होगा। समाज कल्याण विभाग को लेकर आश्रमशाला व छात्रावास कोविड सेंटर के लिए नहीं दिए गए थे, इसलिए शाला शुरू करने को किसी तरह की परेशानी नहीं है। समाज कल्याण विभाग की सहायक आयुक्त आशा कवाड़ी के अनुसार कोरोना आश्रमशाला व छात्रावास शुरू करने को लेकर नियमों पर कड़ाई से अमल किया जाएगा। BS क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से BS क्राइम इंडिया न्यूज.com की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।